तो फाइनली चैलेंज के माध्यम से ये 9वां दिन होने वाला है और आप देख सकते हो ये वही सेम स्माल अकाउंट है। तो मैं टेलीग्राम पर पहले अपडेट कर दूं, यहाँ पर देखो 9:00 पर आज मैं पी सेल करूँगा। अगर कोई परफेक्ट एंट्री विथ स्मॉल के साथ मिलेगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको ज्वाइन कर लो। पहले मैं व्यू बता देता हूँ, बताई कर ही ट्रेड करता हूँ। कल बोला था कॉल बेचूंगा, देख सकते हो 9:04 पर कॉल बेच कर प्रॉफिट किया, आज बोल दिया पी बेचूंगा, तो पी बेच कर प्रॉफिट करना है आज। तो लेवल्स भी आप लोगों की आंखों के सामने बना दूं, तो एक पुट सेल करने के लिए लेवल्स मुझे कहीं ना कहीं इधर के आसपास दिख रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ऑल्सो ये लेवल्स मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी भेज दूँ ताकि उनको भी ईजी रहेगा, बिकॉज रीजन है। तो ये लेवल्स हमारे निकल गए ग्रीन एरो मतलब पी बेचने का, रेड एरो मतलब सी बेचने का इलाका। ऑल्सो निफ्टी के लिए भी देख लो यार, निफ्टी के लिए ये हो गया ये रेड एरो, और ये पुट सेलिंग के लिए ना कहीं मैं ये लेवल देख सकता हूँ, क्योंकि ये लेवल काफ़ी सही मेरे को लग रहे हैं आज के डेट पर। तो ये ग्रीन एरो मतलब पुट बेचने के लगा, ये रेड एरो मतलब कॉल बेचने के लगा, ठीक है। बट मोस्टली मेरे को क्या करना है आज, कहीं ना कहीं मेरे को पुट बेचना है, मैंने अनाउंस कर दिया है पहले। इसको भी मैंने प्रीमियम ग्रुप में भेज दूँ, तो ये देख सकते हो प्रीमियम ग्रुप में मैंने पहले ही भेज दिया है 9:09 पर, ठीक है, कि कहाँ पर मैं ये जो लेवल सारे बनाए हुए हैं। अब इसी लेवल पर मुझे खुद भी ट्रेड करना है। अब एंट्री देखो कब होगी, जब मार्केट ओपन होगा तभी ना, मार्केट ओपन हुआ नहीं है, कोई भी पोजिशन नहीं है, देख सकते हो ऑर्डर वगैरह सब नीट एंड क्लीन है, बिकॉज मैं कोई भी ST VT VT ST सब कुछ नहीं करता हूँ, सब इंट्राडे करूँगा। आपकी आंखों के सामने व्यू भी बनाया, लेवल्स भी दिए, अब एंट्री भी करूँगा, तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का। मार्केट ओपन हो गया, हमारे बाइंग एरिया पर ओपन हुआ है, और भाई साहब ये तो जूम बराबर जूम कर रहा है, एक ही घंटा बहुत बड़ी बना दी ग्रीन। ऑल्सो निफ्टी भी हमारे लेवल्स पर ही ओपन हुआ है, वेट करते हैं एंट्री का। जब तक एंट्री मिलेगी नहीं तब तक तो एंट्री करने वाले हम हैं नहीं, लेकिन रेडार पर अपने ही ओपन हुआ है, बाइंग रेडार पर, तो वेट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ से हम बैंक भी सेलेक्ट कर लेते हैं और पुट बेचने का समय हो गया है। तो मैं देखो मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला हूँ नहीं, तो मैं आज ATM बेचूँगा और 4-5 रुपये वाला बाई कर लेता हूँ, ताकि मार्जिन जो है ना वो कम लगे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से लॉट अपने लगा लो 3 लॉट, बस यहाँ से ट्रेड बटन दबाएंगे, ट्रेड हो जाएगा, प्लेस ऑल मार्केट, ठीक है। देखो दोनों ऑर्डर लग गए ना, ठीक है, यहाँ पर डेट टाइम सब वगैरह शो कर देता है। और यहाँ से सिंपली आ जाओ ऑर्डर्स में, ठीक है, ऑर्डर्स में पोजिशन रख के देख लो, आपकी पोजीशन यहाँ पर लटकती हुई दिखेगी, ठीक है। ट्रेड लेते ही बम्पर प्रॉफिट 1600-1700 का प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रेड लेते ही बम्पर प्रॉफिट 1200-1300-1400-1500 रुपये का दिख रहा है मुझे। और हमने कहीं ना कहीं बॉटम में जो है उसको पी को बेच रखा है, हमारा व्यू भी था पी को बेचने का ही, हमने ATM बेचा है ताकि सेफ्टी सुरक्षा बनी रहे। टारगेट की बात करोगे तो यूं कहूँ मैं, टारगेट ये गैप का एरिया ही हमारा है, टारगेट कहने कहीं गैप के लिए आपके आस पास आएगा ना, देन मैं पोजीशन को बुक करने का भी ट्राई कर सकता हूँ। अभी 1600-1700-1800 ही प्रॉफिट चलना है मेरे को, वेट करते हैं आज एक्सपायरी। अगर मार्केट देखो हमने कर क्या रखा है, हमने इसको बेच रखा है 39800 का पी को, ठीक है। अब मार्केट मेरी बात समझने का ट्राई करो, अब अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर, इस ग्रीन लाइन के ऊपर कहीं भी टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं भी एक्सपायर हो जाता है ना, तो मुझे मैक्स प्रॉफिट हो जाता है। मैं अब बोलोगे मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स प्रॉफिट वही होगा जो हमने प्रीमियम को बेचा है, ठीक है, जितना प्रीमियम है वो जीरो की तरफ भागेगा, टाइम डिके भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर वेट करने की बारी है। देखो बहुत सारे लोग फंसते कैसे हैं, देखो मार्केट ना डेली पहले लोगों को फंसाता है, उसके बाद ही मूवमेंट देता है। पहले देखो मार्केट गैप डाउन खुला, फिर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक किया, देन वहीं पर सारे लोग क्या करेंगे, सेलिंग सेलिंग करने के लिए बैठेंगे, और उसके बाद ही मार्केट में देख सकते हो 2 ही ग्रीन कैंडल में कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट आ चुका है। और हमने भी कहीं ना कहीं पुट सेल करके इसी मूवमेंट का फायदा उठाने का ट्राई किया हुआ है। प्रॉफिट देख सकते हो 2000 समथिंग का चल रहा है, हाँ जी देखो 4000 का प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट होगा ना जी, जब सही जगह पर एंट्री करोगे तो प्रॉफिट क्यों नहीं होगा। लोग यहाँ पर डाउ जोन्स और OI डेटा, FII DII, पता नहीं क्या क्या SGX निफ्टी देखते रहते हैं, उतना देखने के बाद भी उनका एक परफेक्ट क्लियर व्यू नहीं बन पाता। और यहाँ मार्केट खोलने से पहले व्यू रेडी है कि पुटी बेचना है, कहाँ बेचना है सब पता है। जब आपको क्या बेचना है और कहाँ बेचना है ये पता है, और कब बेचना है भी पता है, तो फिर मार्केट टफ कैसे रहेगा, आप खुद ही सोचो। आप लोग कभी भी
आप लोग का क्लियर व्यू नहीं बनता है। आप लोग 35 ट्रेड लाइन बनाओगे, 35 सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे, 36 तरह के इंडिकेटर लगाओगे, फिर हाथ कुछ लगता नहीं। देखो मार्केट हमारा कहीं ना कहीं गैप फिल कर दिया है। देखो मार्केट टारगेट पर आ चुका है, गैप को भी फिल कर दे, कहीं ना कहीं यहीं से मार्केट गिरना ब्रेक करना बनाना स्टार्ट करा। देखो अभी मुझे होल्ड करना, क्योंकि रीजन एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही एक्सपायर होगा तब, ठीक है। उसी को पाकर हमें वेट करें, और इसी ध्यान रखना है। अब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, अब प्रॉफिट में ही निकलूँगा इसकी गारंटी है। मैं प्रॉफिट पर रिस्क ले रहा हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैपिटल पर कोई रिस्क लेकर मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि कैपिटल पर रिस्क लोगे तब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। आप देख सकते हो मार्केट गैप एरिया पर आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, और प्रॉफिट भी चला गया, डिसेंट सा प्रॉफिट है, 7,000 प्रॉफिट दिख रहा है जैसे आप देख सकते हो। और मार्केट एक तरफा सिस्टम चला रहा है, ठीक है। चले जाकर लेवल ब्रेक कर दिया और सब कुछ कर दिया, और कहीं ना कहीं हमारे सेलिंग रेडार पर ही आ चुका है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारा कॉल सेल करने का व्यू हो जाता है। दिन में अब पोजिशन में होल्ड करना मेरे लिए रिस्की होगा। ये देखो मार्केट बाइंग पॉइंट्स उठते हुए कहीं ना कहीं सेलिंग रेडार पर चला गया, और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना रहा है। 7,200 के आसपास का प्रॉफिट चला। जब तक मार्केट यहाँ से कोई ना कोई डाउन साइड ने का मूवमेंट नहीं दे देगा, सिग्नल नहीं देगा, तब तक मैं पोजीशन में बना रहूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी जितना वेट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है मुझे। और हमने अपने मैक्स प्रॉफिट का लगभग 70% के आसपास का प्रॉफिट तो ले ही चुका है, 70-80% का प्रॉफिट। बस थोड़ा सा और वेट करते हैं, अगर मार्केट देखो यहाँ से डाउन जाने का मूवमेंट दे देने मैं पोजीशन को स्क्वायर अप करके निकल जाऊंगा, ठीक है। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, थोड़ा सा मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ ताकि अगर मार्केट मान लो कि और यहीं पर कंसोलिडेट कर दे या फिर थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। बस इसी को मानते हुए मैं वेट कर रहा हूँ। और आज हमने ADM का बेचा था, तो काफ़ी मतलब हद तक मैं सेफ्टी को पहले नंबर पर रखकर ट्रेड किया हूँ आज, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, प्रॉफिट में ही निकलूंगा इसकी तो गारंटी है। देखो यार फाइनली मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो ये देखो फाइनली एक तरफा सिस्टम चल चुका है, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं रेड कैंडल टॉप पे बना रहा है मार्केट, अभी भी देखो ग्रीन कैंडल बना रहा है। जब तक ये मुझे रन कंटिन्यू मिलता है ना, तब तक मैं होल्ड करूंगा पोजीशन को, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैक्स प्रॉफिट का 70-80% खा चुका हूँ, मुझे मिल चुका है अभी। अब इससे ज़्यादा मुझे जो 20-30% प्रॉफिट बचा हुआ है ना, उसको लेने के लिए मुझे पूरा मार्केट में 3 बजे तक टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, तो मैं उतना टाइम स्पेंड करने नहीं हूँ। जब तक रैली कंटिन्यू हो तब तक मैं वेट करूँ, जैसे ही रेड कैंडल बनाना शुरू वैसे ही मैं पोजीशन एग्जिट करके चुपचाप निकल जाऊँगा और चिल करूँगा, ठीक है। 1 घंटे में देखो 10:31 हो रहा है, लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने प्रॉफिट लेकर के निकल गया। ये इसी को बोलते हैं ट्रेडर, 1 घंटे आओ सारा प्रॉफिट लेकर के निकल जाओ। ये देख सकते हो ये रेड कैंडल बनना चालू हो चुका है, ठीक है। और अब वेट करना मेरे को सेफ बिल्कुल नहीं लगा। 7,500 का प्रॉफिट बहुत डिसेंट सा है, चलते स्क्वायर अप कर लेते हैं। तो फाइनली आज हम लोगों ने 7,400 का प्रॉफिट बुक किया हुआ, केवल केवल 3 लॉट में, जिसमें हमने पुट बेचा था 39,800 का, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को साथ रिव्यू करके दिखा दूँ ताकि आपको ईजी रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 7,400 का प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया हुआ। अब मैं आपको अपना पूरा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं हमने पहले बता रखा था कि मैं आज पी बचूंगा, कहीं ना कहीं बॉटम में आपका कुछ हमने पुट बचाया हुआ और कहीं ना कहीं देखा इस बार प्रॉफिट बुक किया हुआ है। क्यों यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ है, रीजन ये है क्योंकि ये हमारे सेलिंग जोन पर था, ये लेवल्स एज इट इज मैंने स्टार्टिंग में आपके आंखों सामने बनाया, ऑल्सो हमने प्रीमियम ग्रुप में भी भेजे हैं। तो जब मार्केट बाइंग एरिया से कहीं ना कहीं सेलिंग एरिया पर आता रहता है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा कॉल सेल करने का व्यू हो जाता है, और ऑल्सो मार्केट का हमने 70-80% प्रॉफिट ले चुका था 1 घंटे के अंदर ही। तो वो 20% प्रॉफिट लेने के लिए मुझे रुकना सेफ नहीं लग रहा था, इसके बाद हमने स्क्वायर ऑफ किया। और सबसे बड़ा रीजन ये है कहीं ना कहीं हमारे सेलिंग रेडार पर मार्केट आ चुका था, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट वहीं से कहीं ना कहीं कितना भयंकर डाउनफॉल का मूवमेंट भी दिया हुआ, जिसमें हमने बड़े अकाउंट में ट्रेड भी किया हुआ। आप लोग शॉर्ट जाके देखना, यूट्यूब शॉर्ट पर मैंने डाल रखा हुआ है, इसे मैंने लगभग 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट आज बुक किया हुआ है। बड़े अकाउंट में कॉल बेचकर प्रॉफिट कर लिया, छोटे अकाउंट में तो आपके आंखों के सामने कहीं ना कहीं बताया हुआ है और वहीं से पुट बेचा हुआ है और ट्राइप आपके आंखों सामने करके सारी चीज़ें दिखाई हैं। अगर आप ये चीज़ें डीप में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप फ्री में भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बस आपको हमारे दिए हुए लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, इसके बाद आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन बींग ट्रेडर प्ले स्टोर से वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आया तो जो है सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे तो ऑप्शन सेलिंग लो कैपिटल के साथ चैलेंज दिया हुआ है, डेली में करके बताता हूँ, पहले बोलूंगा फिर ही करूँगा कि कॉल बेचूंगा कि पुट बेचूंगा। और भी कुछ प्ले लिस्ट है जैसे कि ऑप्शन सिम्प्लीफाइड कोर्स है, जिसको ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है वो देख सकता है, और भी कुछ प्ले लिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।